सरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी और हमारी खास पेशकश कमल का कमाल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। यूपी निकाय चुनाव में अब कमल खिल गया है। जी हां, नगर निगम में तो बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, तो वहीं नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। देखिए निकाय चुनाव में हुई बीजेपी की ऐतिहासिक जीत से जुड़ी हमारी एक खास रिपोर्ट। निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत। निकाय की जीत के नायक बने सीएम योगी। सीएम योगी की रणनीति आई काम। 17 मेयर सीटों पर ऐतिहासिक जीत का डंका बजा। बीजेपी ने लहराया परचम, विपक्षियों का निकला दम। ऐतिहासिक जीत के बाद से फिर से चुनावी मोड में बीजेपी। एक कोड़ा नहीं, ये सपा बसपा के कचड़े को साफ करने का चुनाव है, उनकी गंदगी को सफाई करने का, उनकी अराजकता को, उनकी औसरपाजता को साफ करने का चुनाव है। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी की ऐसी हवा चली कि बीजेपी पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की। साथ ही विपक्षी पार्टी का इन निकाय चुनाव से सूपड़ा ही साफ कर दिया। बीजेपी के निकाय चुनाव में इस कमाल से विपक्षियों को रिजल्ट की घोषणा के साथ ही बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए बड़ी गजब की प्लानिंग को अपनाते हुए निकाय चुनाव की सियासी पिच पर अपनी बिसात बिछाई और फिर निकाय चुनाव 2017 के मुकाबले में बढ़त हासिल करते हुए 2023 के निकाय में वो ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इसी के साथ बीजेपी की खूब वाहवाही भी हुई। निकाय चुनाव में जीतने के लिए सियासी समीकरण का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा, क्योंकि ये चुनाव शहर की सरकार बनाने का चुनाव है, तो इस वजह से यहाँ जातीय समीकरण भी इस चुनाव के लिए काफी ज्यादा अहम रखता है। निकाय चुनाव में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा बीजेपी की दांव पर लगी थी, क्योंकि शहरी इलाका हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है। पिछली बार बीजेपी का मेयर चुनाव में बेहतर प्रदर्शन था, लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायत में पिछड़ गई थी। इस बार चुनाव में बीजेपी ने मेयर से लेकर नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष सीटों पर भी जीत का परचम फहराया है। डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में सुशासन, विकास और सुरक्षा का जो बेहतर वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया है, उसको यह जनादेश प्राप्त हुआ है और शासन की चीजों को, डबल इंजन सरकार के कार्यक्रमों को जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए हमारे नगर विकास मंत्रालय विभाग ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तत्परता के साथ कार्य किया है, चुनाव में बेहतर समन्वय हम सबकी बेहतर ताकत थी, सबसे मजबूत ताकत थी, उसका ये परिणाम हमारे सामने है। विगत वर्ष जब 2017 में चुनाव हुए थे, उस समय 16 नगर निगमों में चुनाव हुए थे और 16 नगर निगमों के चुनाव जो संपन्न हुए थे उनमें से 14 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, 2 बहुजन समाजवादी पार्टी ने जीती थी। पहली बार 17 की 17 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीत करके एक ऐतिहासिक जनादेश को प्राप्त की है। जिन लोगों ने आपको एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया था, आज उनको एक एक वोट के लिए तरसाइए। निकाय में हुए बीजेपी की इस बम्पर जीत का श्रेय सीएम योगी के साथ साथ बीजेपी के टीम वर्क को भी जाता है। हर जगह के मुद्दे पर बारीकी से ध्यान रखते हुए पार्टी के दिग्गज नेताओं ने प्रचार किया और ऐसा धुआंधार प्रचार किया जो बीजेपी की जीत और उनकी मेहनत को साफ साफ दिखाता है। पहले के निकाय चुनाव को लोग ज्यादा अहम नहीं माना करते थे, लेकिन इस बार बीजेपी की ओर से किए गए धुआंधार प्रचार ने इस बात को साबित कर दिया कि मेहनत करने से किसी भी तरह के कीर्तिमान को स्थापित किया जा सकता है, जैसा बीजेपी ने 17 मेयर सीटों को जीत कर किया है। एक अहम बात यह भी है कि यूपी नगर निकाय चुनाव में पहली बार बीजेपी ने मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव चला और उसका ये कार्ड विपक्षियों पर भारी पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 395 मुस्लिम प्रत्याशियों को पहली बार टिकट दिया। इनमें से 6 नगर पालिका परिषद, 32 नगर पंचायत अध्यक्ष और कई मुस्लिम प्रत्याशी सभासद और पार्षद का चुनाव जीते। यही नहीं, बीजेपी नेताओं का दावा है कि पार्टी ने सपा बसपा के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने में भी कामयाबी हासिल की है।
अब बात करते हैं इस निकाय चुनाव में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले और निकाय चुनाव के नायक बनने वाले यूपी के मुखिया सीएम योगी की। इस निकाय चुनाव पर कब्जा जमाने के लिए सूबे के मुखिया ने जी तोड़ कर मेहनत करी। सीएम योगी की धुआंधार प्रचार और रैली ने जो कमाल करके दिखाया वो आज सबके सामने है। निकाय चुनाव में सीएम योगी के द्वारा किए गए करिश्मे ने उन्हें ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में कामयाबी हासिल हुई। सीएम योगी के कामों का परिणाम ही है कि पिछली बार की हारी मेरठ और अलीगढ़ की सीट भी बीजेपी के खाते में चली गई। वहीं पहली बार बने शाहजहांपुर में भी कमल ने कमाल कर दिया। यहां भी शहर का प्रथम नागरिक बनने का गौरव भाजपा उम्मीदवार अर्चना वर्मा को मिला। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में एक ही मंत्र दिया था, सबका साथ सबका विकास का, सबके विश्वास और सबके प्रयास का। हम तो उसी बात को लेकर के चले। हमने मकान देने में किसी का चेहरा नहीं देखा, हर जरूरतमंद को, हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को योजनाओं के साथ सीधे जोड़ने का कार्य हुआ। लेकिन ये लोग अवसरवादी लोग हैं, ये लोग परिवारवादी सोच के लोग हैं। इन लोगों के मन में विकास की कोई, गरीब कल्याणकारी योजनाओं की कोई कार्य योजना नहीं, इनकी अपनी एक कार्य योजना है। और कार्य योजना के तहत ये लोग युवाओं के हाथों में तमंचा पकड़वा करके उन्हें समाज और राष्ट्र विरोधी तत्वों की ओर अग्रसर करने का कुत्सित प्रयास करते थे। निकाय चुनाव जीतने के लिए सीएम योगी ने खूब तूफानी रैली की। सीएम योगी पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक सभी सीटों पर जीत हासिल करने के लिए ताबड़तोड़ रैली की। इसी के साथ ही विपक्षियों पर जमकर बरसे और गरजी। विपक्षी पार्टियों पर लताड़ लगाते हुए सीएम योगी ने विकास की रफ्तार पर जोर देने का वादा किया और अपने वादे और दावे के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की बात कही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नगर निकाय चुनाव में कुल 50 रैलियां की। यहां सीएम योगी ने 9 मंडल के तहत आने वाली 10 नगर निगम क्षेत्रों में रैली की। पहले चरण में योगी आदित्यनाथ की कुल 28 रैली हुई। इसमें गोरखपुर में 4, लखनऊ में 3 और वाराणसी में 2 स्थानों पर रैली सम्मेलन हुए। बता दें कि नगर निकाय चुनाव के लिए पश्चिमी बेल्ट को बड़ा फैक्टर माना जा रहा था। इसी वजह से सीएम योगी ने अपनी विजयी रणनीति के तहत काम करते हुए सहारनपुर से इसकी शुरुआत की थी। इनको रामचंद्रमानस अच्छा नहीं लगता, कारण है इनकी सोच में नकारात्मकता है। निकाय चुनाव में सीएम योगी के शंखनाद के साथ ही पार्टी के दिग्गज नेता और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम चुनावी मैदान में उतर आए थे। पार्टी को जीत दिलाने में उन्होंने भी पूरी ताकत झोंक दी थी। भूपेंद्र चौधरी ने करीब 33 रैलियां की, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी करीब 50 रैलियां की और इसी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य भी चुनावी मैदान में उतरे थे। सिराथू नगर पंचायत हाई प्रोफाइल सीट है। इस सीट में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का पैतृक घर आता है। यहां पर भी जीत दिलाने के लिए डिप्टी सीएम केशव मौर्य चुनाव प्रचार में शामिल हुए थे। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि निकाय चुनाव में हमारी जीत हुई है, हमने बेहतर तरीके से प्रचार किया और जनता के साथ सीधा संवाद किया, जिसकी वजह से जनता ने हम पर विश्वास जताया है और हमें प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार दी है। हमारे शहर कूड़े के ढेर दिखाई देते थे, किसी भी शहर में जाओ कूड़े का डंप पड़ा रहता था, यानी शहर की पहचान कूड़े के ढेर से दिखाई देती थी। और आज आपने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का भी बयान पढ़ा होगा, उनका बयान भी कहता है, वो कहते हैं नगर निकाय चुनाव में हमारी रुचि इसलिए नहीं है क्योंकि वो कूड़ा उठाने का चुनाव है, यानी कूड़ा उठाना उनको ये लगता है जैसे उनकी प्रतिष्ठा की विपरीत है। एक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो, उनके द्वारा इस प्रकार के हल्के शब्दों का इस्तेमाल करना, और भाइयों बहनों वह तब जब उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोग नगरीय जीवन में निवास करते हैं, नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, ये इन 6 करोड़ लोगों का अपमान है, इन मतदाताओं का अपमान करने का प्रयास हो रहा है। सीएम योगी ने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए खूब ताकत झोंकी और विपक्षियों पर जमकर बरसे। सीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बरेली में पहले दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, लेकिन 2017 से आज तक यहां कोई दंगा नहीं हुआ, न कर्फ्यू लगा। आगे सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में आज कानून का राज है, प्रदेश की कानून व्यवस्था देश में नजीर बनी है, यूपी में सब चंगा है। सीएम योगी ने कहा कि माफिया और अपराधी अब अतीत हो गए,
आज यूपी में भयमुक्त माहौल है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यूपी में रंगदारी न फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। बीजेपी के निकाय चुनाव में हुई जीत के साथ ही समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो गई। सपा की इस करारी हार के साथ ये कहा जा रहा है कि AIMIM चीफ ओवैसी ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। इस चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। बता दें कि AIMIM ने यूपी निकाय चुनाव में अपने प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया है। AIMIM ने प्रदेश की 3 नगरपालिका परिषद पर कब्जा जमाया तो वहीं नगर पंचायत की 2 सीटों को अपने नाम किया। कुछ सीटों पर AIMIM उम्मीदवार समाजवादी पार्टी और बसपा को पछाड़कर दूसरे स्थान पर भी है। इसी के साथ प्रदेश के कई क्षेत्रों से पार्टी के पार्षद भी चुने गए। कांग्रेस और बसपा पार्टी भी इस चुनाव में बुरी तरीके से पिछड़ गए, जबकि इस निकाय को अपना बनाने के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने 10 सीटें हासिल करने का दावा किया था, लेकिन उनका कोई भी दावा किसी काम नहीं आया। कुछ ऐसा ही हाल रहा बसपा पार्टी का भी। विपक्षी एकता भी कोई कारनामा नहीं कर पाई, लेकिन इस चुनावी जीत ने सभी को असमंजस में डाल रखा है। ये नगर निकाय चुनाव के जो नतीजे आए वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए बड़े ही हौसला अफजा रहे हैं, और इसके लिए मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह सुबहाना व तआला का और मजलिस के तमाम जिम्मेदारों का और उत्तर प्रदेश की आवाम का। और 20 पार्षद कामयाब हुए, 33 नगर पालिका परिषद के काउंसलर कामयाब हुए और 22 नगर पंचायत के काउंसलर कामयाब हुए। तो ये बहुत बड़ी हमको कामयाबी मिली है, बड़ी बड़ी पार्टियों को नाकामी मिली है, और वहाँ की आवाम ने, जनता ने मजलिस पर अपने मोहब्बत का इजहार किया है, अटूट भरोसा किया है, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके भरोसे को शर्मिंदा ना होने दें। 2017 के निकाय चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो पिछली बार 16 नगर निगम में से 14 पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया था और 198 नगर पालिका की सीटों में से 70 सीटें हासिल की थी। इसके अलावा नगर पंचायत की 438 सीटों में से 100 सीटें हासिल की थी। वहीं अब अगर 2023 में हुए निकाय चुनाव की बात करें तो सभी सीटों पर बीजेपी ने बढ़त हासिल करते हुए इतिहास रच दिया है। नगर निगम की 17 की 17 मेयर सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया है। इसी के साथ नगर पालिका 199 सीटों में से 89 और नगर पंचायत की 543 में से 191 सीटों पर जीत हासिल की है। दरअसल 2023 के इस निकाय चुनाव को कहीं ना कहीं 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। यूपी में चुनावी बयार तो कुछ देर के लिए थम गई है, लेकिन बीजेपी पार्टी अपने चुनाव मोड में लगातार बनी हुई है। स्थानीय चुनाव हो या उपचुनाव हो, बीजेपी जीत के लिए सभी चुनाव में पूरी प्लानिंग के साथ ही चुनावी मैदान में उतरती है। अब बीजेपी 2024 की तैयारियों में जुट गई है। नेता और कार्यकर्ताओं को जीत के लिए अभी से ही मंत्र लगातार दिया जाने लगा है। अब देखने वाली बात यह होगी के बिना रेस्ट मोड के बीजेपी लगातार काम कर रही है। 2024 में कमल का दबदबा कायम रह पाएगा यह तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।